मोहब्बत दीन इस्लाम का बहुत ही अहम जुज है और मोहब्बत के जरिए से ही मुआशरे समाज और सोसाइटी के अंदर एक इंसान कामयाब हो सकता है। लेकिन मोहब्बत को हमने गलत मतलब ले लिया है। आज हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों ने मोहब्बत का क्या मतलब ले लिया है? मोहब्बत का यह मतलब लिया है कि जो हमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हुए बेशुमार और हर किस्म की कुर्बानियां पेश करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करने के बाद उसका मुआवजा और उजरत नहीं चाहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे ठोकर मार देंगे। हम सरेआम उनके इज्जत को नीलाम करेंगे, उसे सरे बाजार बदनाम कर देंगे। कौन करते हैं ऐसा? हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां आज कर रहे हैं। हमने उसे सही तालीम नहीं दी, उसकी तरबियत नहीं दी, ये मोबाइल में गेम भी खेल रहे हैं और इश्क मोहब्बत के फिल्में भी देख रहे हैं, गाने भी देख रहे हैं। वो किसी से नजर टकराई और ये नजर टकराने के बाद उनसे मोहब्बत हो गई। ऐसी अजीब मोहब्बत कि बचपन से लेकर के जिन माँ बाप ने इतनी मोहब्बत से, इतने लाड से इनसे प्यार किया था, इनसे मोहब्बत किया था, खुद तकलीफें उठाकर इन्हें सुकून पहुंचा रहे थे, खुद भूखे रह करके इन्हें खिला पिला रहे थे, खुद पुराने फटे कपड़ा पहन करके इनको नए नए कपड़े दे रहे थे, ये बस नयन से नयन मटका और उसके बाद इनको ठुकरा दिया, जीने मरने की कसमें इनके साथ खाने लगे। मुआशरे के अंदर तबाही मची हुई है। आज गैर शादीशुदा तो छोड़िए, कितने ऐसे हैं जो शादीशुदा जोड़े के साथ भी नाजायज ताल्लुकात हो रहे हैं। हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर बिल्कुल तबाही है। जिंदगी हर एक का बिल्कुल अजीरान हो चुका है, खराब हो चुका है, नफसा नफसी के आलम में है। कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, कितने लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने लोग पागल जैसी कैफियत में आ जा रहे हैं, संजीदा लोग भी लड़ाई झगड़ा करने पर उतर जा रहे हैं, गाली गलौज पर उतर जा रहे हैं। क्या करेंगे? जिससे हम बेलौस मोहब्बत करते हैं वो बच्चे ही जब नादान हो जाए। और इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है, आपकी गलती है। हम उन्हें ना सही तालीम दिए, ना उसकी सही तरीके से तरबियत किए। हमने जिंदगी को बेहतर बनाने के चक्कर में इन्हें भुला दिया। हमने समझा कि जिंदगी हमारी बेहतर तब गुजरेगी जब हमारा अच्छा घर होगा, हमारे बैंक बैलेंस होंगे, अच्छे पकवान पकेंगे हमारे घर में, और बच्चों को ऐसे स्कूल में डालेंगे, ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डालेंगे जहां पे गैर मुस्लिमों के अकीदे उसके दिलो दिमाग के अंदर बिठाए जाते हैं, जहां हमारे बच्चे जाकर के गाने सीखते हैं, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां डांस करती हैं, जहां हमारे बच्चे और बच्चों को गलत इस्लामी अफकार दिया जाता है।